चलो आज सीखते हैं कुछ नया। क्या सीखने वाले हैं आज? क्लास ट्वेल्थ है, समाकलन क्लास ट्वेल्थ का और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा इस राह पर आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जरा इस राह पर आकर तो देखो। क्वेश्चन को देखो, क्या है क्वेश्चन? यहाँ पर समाकलन करना है अपने को, किसका? एक्स क्यूब माइनस वन की पावर है 1/3 और एक्स इंटू में है एक्स की पावर 5। तो यहाँ पर क्या है, एक्स की घात 3 माइनस वन की घात है 1/3 और एक्स की घात है 5। तो इसका क्या करना है, समाकलन इंटीग्रेशन करना है। करना बहुत आसान है, यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। तो आप देखिए, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा क्वेश्चन इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। तो हीरो को देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आसान है। तो यहाँ पर देखने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं मान रहा हूं, सपोज क्या किया मैंने, एक्स क्यूब माइनस वन को मान लिया मैंने टी। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन करने पर 3x² होगा इसका और 1 का 0 हो जाएगा। तो dx t का करेंगे तो dt। अब जो ये 3 है ये इधर आ जाएगा, x² dx dt upon 3 ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर तो x की घात 5 है तो हम इसको तोड़ेंगे। अब क्या कर लिया अपन ने, एक्स क्यूब माइनस वन ऐसा का ऐसा रखा मैंने, पावर भी 1/3 रख दी और इसको तोड़ लेते हैं, एक्स की घात 3 x² dx। अब इसको यहां पर एक्स क्यूब बराबर क्या कर सकते हैं, ये जो t है t ऐसा का ऐसा, ये जो माइनस का वन था इधर आ गया तो प्लस का हो गया। तो एक्स क्यूब का मान क्या अपन मान सकते हैं, टी प्लस वन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स क्यूब वो रख देंगे अपन उसका मान। अब इसकी जगह पर क्या माना है अपन ने, एक्स क्यूब माइनस वन बराबर क्या है, टी। तो मैंने टी रख दिया, टी की पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब यहां पर देखिए, एक्स क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, टी प्लस वन, और ये x² dx तो आ चुका है, लेकिन अभी भी अपने को 1/3 लगाना पड़ेगा आगे। क्यों? क्योंकि dt/3 है। अब यहां पर कर देंगे dt आखिर में, क्योंकि t के सापेक्ष समाकलन करने वाले हैं अपन। इतना समझ में आ चुका होगा आपको मुझे लगता है। तो यहां पर धीरे धीरे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखना पड़ेगा। तो देखिए, यहां पर देखिए आप, 1/3 ऐसा का ऐसा रखा मैंने, अब इसका इनटू आगे कर दिया मैंने, तो 1/3 है टी की पावर, तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा इसका समाकलन, प्लस इसका टी की पावर 1/3 का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/3 डीटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, टी और टी है यहाँ पर, आधा समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर टी की पावर 4/3 हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल की बात है। अब यहाँ पे मैं सूत्र लिख रहा हूं, क्या, x की पावर n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। ये आ चुका होगा आपको, सूत्र भी लिख दिया मैंने, अब मान रख रहा हूं मैं सूत्र का। तो यहां पर क्या है, n 4/3 है और ये जो 1/3 है ये पूरे में इंटू में है, तो आगे लग जाएगा 1/3। अब आगे करेंगे तो क्या, t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1। अब यहां पर आगे देखिए आप,
प्लस में क्या है, टी की पावर 1/3 है, 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1, ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद इसको हल करना है सिर्फ घातों को, तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, घातों को हल करने के लिए मेरे पास ट्रिक है, 3 और 4 कितना होता है 7, ये 1/3 तो अभी ऐसा का ऐसा रखा मैंने, गुणा में कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए आप टी की पावर 4/3 है, तो इसको जोड़ने के लिए 3 और 4 7, तो टी की पावर 7/3, 7/3 टी की घात। और इसी इसको अपने को क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है आगे, तो क्या हो जाएगा 3/7। ये इसको ऐसा करने पर ये आपका नीचे का भी हल हो गया, जो 4/3 में प्लस जोड़ना है वो भी हल हो गया, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सिर्फ ऊपर घात करना है, घात 3 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 7, तो 7/3 और उसको उल्टा करके आगे लिख दिया मैंने, तो कितना हो गया 3/7। अब प्लस में है 1/3, तो पहले से ये था गुणा में, तो ये इसमें भी गुणा में आएगा, तो ये 1/3 पहले से लिख दिया मैंने गुणा में। अब इसके बाद टी, अब यहाँ पर कितना है 1/3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4, और नीचे कितना है 3, तो 4/3, इस 4/3 को उल्टा करके आगे लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया। अब आगे टी का भी मान रख देंगे अपन, जो मैं कर रहा हूं वो यहाँ पर देखिए, टी का मान क्या है हमारे पास, x³ - 1, ये टी बराबर माना था अपन ने, मैंने माना था x³ - 1 को क्या माना था, टी, तो टी की जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, x³ - 1 की पावर कितना हो जाएगा 7/3, और आगे क्या है 1/7 बचेगा सिर्फ, क्यों, क्योंकि ये यहां पर 3 से 3 कट गया था, 1/7 बच जाएगा। अब यहां पर प्लस में देखिए आप, अपने पास क्या बचेगा, ये 3 से 3 कट गया था, 1/4 बचेगा, और टी का मतलब क्या है, x³ - 1 जो माना था, और उसकी पावर क्या है 4/3। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसको समझने की कोशिश कीजिए आप, और यहाँ पर जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद।